पर आधारित श्रृंखला के इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि आपने पहले पाठ में दो वृत्तों की सर्वांग समता के संबंध में एक तथ्य पढ़ा था याद है वो क्या है हमने पढ़ा था कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्या समान होती है इसके बाद हमने एक चाप की अंश माप के बारे में बात की थी हम कहेंगे कि लघु चाप का अंश माप इस चाप को आविष्ट करने वाले केंद्रीय कोण का माप होता है आइए एक बार फिर केंद्र पर बने हुए कोण को देखें तो इस परिभाषा के अनुसार हम ये कहेंगे कि चाप ए बी का माप बराबर है 110 अंश चाप ए बी का माप एम प्रयोग किया जाता है माप बताने के लिए यह है एक सौ दस अंश परंतु इस वृत्त में एक चाप तो यह है ए बी और दूसरी चाप है बी ए आपको याद है ना कि हमने आपको बताया था कि जब हम इस दिशा में चलते हैं अनावर्त दिशा में तभी हम इसको धनात्मक दिशा मानते हैं तो जब हम ए भी लिखेंगे तब बनेगी चाप ये और जब हम चाहेंगे ये चाप तो अब हम बात कर रहे हैं इस चाप की लघु चाप और दीर्घ चाप ये दीर्घ चाप की माप कैसे निकालेंगे हम सारे अगर हम कोण को लें तो ये बनता है 360 अंश का इसमें से अगर हम ये माप निकाल दें यही माप है लघुचाप की तो ये आ जाएगा 250 सौ पचास अंश तो दीर्घ चाप की माप हो गई 250 सौ पचास अंश और यही क्रिया हम करते हैं जब भी हमें चापों की अंशीय माप निकालनी होती है हम शुरू करते हैं लघु चाप से उसी से दीर्घ चाप की माप निकाली जाती है परंतु क्या हमें हमेशा इसी तरह दीर्घ चाप और लघु चाप भी मिलती हैं? जी नहीं इसमें हमें कई बार ऐसा मिलता है कि चाप बनाई है वृत्त के व्यास ने वृत्त के व्यास द्वारा बनाई गई चाप दोनों ही बराबर होंगे और ये 360 अंश के आधे आधे के बराबर होंगे उनका माप तो हम कहते हैं अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है 180 यानी 360 का आधा जब हमने दोहरा लिया के एक चाप की अंश माप क्या होती है अब हम तैयार हैं इस बात के लिए कि हम चापों द्वारा बनाए गए केंद्र पर कौन और कोनों द्वारा आविष्ट चापों के संबंध में आपको कुछ तथ्य बताएं। हम लेते हैं एक वृत्त इस वृत्त में चाप ए बी और केंद्रीय कोण है ये यदि हम इस कोण को देखें यह है केंद्र पर बना हुआ कोण अब इस कोण को अगर हम वृत्त के किसी दूसरी जगह पर हिला के दें, इसको हम यहां से हटा देते हैं, और ये कोण चला गया यहां पर हमें मिल गई एक और चाप चाप्यू अब हम जानना चाहते हैं कि जब ये कोण बराबर है तो इन चापों में क्या संबंध होगा हमने सिर्फ ये कोण लिया है इस कोण के हिसाब से अगर हम चाप बना लें तो चाप बनाते समय या तो एक ही वृत्त लें या फिर हम लें ऐसे दो वृत्त जो के सर्वांग सम हैं इस वृत्त की त्रिज्या पहले वाली की हम ले लेते हैं ये त्रिज्या आ गई इतनी इस त्रिज्या को माप कर हमने ये चाप का निर्धारण कर दिया चाहे मैं पूरा वृत्त बना दूं, तब भी ये चाप उसी वृत्त का अंश है लेकिन हमारा संबंध है सिर्फ इस चाप से अब इस चाप को अगर मैं चाप ए बी पर रख के देखो चाप पी क्यू हमने रखी चाप ए बी पर तो आप क्या देखते हैं कि दोनों चाप एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है अर्थात ये दोनों चाप सर्वांगसम है चाप होती हैं सर्वांगसम उनका माप होता है बराबर इसी तरह कौन भी सर्वांगसम ही होते हैं उनका माप बराबर होता है हाँ हम जब कहते हैं कौन बराबर हैं तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि वो कौन सर्वांग सम है इस तरह चापों में भी अब हम सर्वांग समता बार बार ना कह के यदि हम ये कहें कि दो चाप बराबर हैं अर्थात उनके माप बराबर हैं तो वो चाप सर्वांग सम है अब ये तो बात हुई कि जब हमने लिया एक वृत्त में या दो सर्वांगसम वृत्तों में ऐसी चापें जिनके के कौन बराबर थे अब यदि हम इसकी उल्टी क्रिया करें उल्टी क्रिया यानी कि हम ले लेते हैं एक वृत्त, इस वृत्त के बराबर वृत्त दूसरा बना देते हैं अब ये बन गया दो वृत्त जो कि सर्वांगसम है क्योंकि हमने पहले वृत्त के ऊपर रख के ही इसको बनाया है उसी त्रिज्या का बनाया है याद है ना पहले तथ्य तो हमने आपको बताया था कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो हमने इसकी भी त्रिज्या उतनी ही ली जो दूसरे वृत्त की है अब इन दोनों वृत्तों में हम कर देते हैं कि ये चाप और ये चाप ये हमने ली बराबर ये चाप पी क्यू और यह चाप ए बी ये बराबर है अब यदि हम इस दूसरी चाप का केंद्रीय कोण बना दें तो हमें मिलेगा ये इसकी होगी एक भुजा और ये हो गई इसकी दूसरी भुजा। आइए तुलना करके देखें इन दोनों कोनों की यदि इस कोण को हम रख के देखें इस पहले वाले कोन पर तो आप क्या देखते हैं फिर एक बार दोनों कोण बराबर हो गए तो हमें यहाँ से एक निष्कर्ष ये मिला कि यदि केंद्र पर बनाए गए कोण दो चापों द्वारा बराबर हों तो उनसे अविष्ट जो चाप मिलती है हमें वो दोनों भी सर्वांगसम होती हैं यानी बराबर होती हैं लेकिन अगर हमने वृत्त अलग अलग किए जैसे पहले किए थे अब इसमें इस तरह का कौन कैसे बनेगा इसमें कौन बना के एक बार फिर देखते हैं हम इसी तथ्य को कि वहां तो हमने रख के बना दिया कौन के एक के ऊपर दूसरा हम इस कौन को माप लेते हैं अब हम बनाना चाहते हैं इसके बराबर कौन इस वृत्त में ये वृत्त दोनों सर्वांग सम है। अब इस दूसरे वृत्त में अगर हमने ये कोण बनाना है हम यहां ले जाते हैं इसको तो कोण बनाने के लिए पहले इसकी एक भुजा बना देते हैं ये कोण की एक भुजा हो गई अब आइए इसकी दूसरी भुजा बना दें दूसरी भुजा इस भुजा को रखा हमने यहाँ पर और दूसरा भुजा में कहीं भी एक बिंदु ले लिया अगर मिला देंगे तो ये दूसरी भुजा इस वृत्त की बन जाएगी इसके कोण की बन जाएगी हमने क्या किया ये कोण इस कोण के बराबर बना दिया एक बार फिर देख लीजिए ये कौन था ये दूसरा कौन इसके बराबर अब तुलना करना चाहते हैं हम इस प्रकार बनी चाप पी क्यू तो आइए इस चाप को ए बी पर रख के देखें हम ये लेके आए हम इस चाप को इसके ऊपर रखा तो क्या देखते हैं कि चाप पी क्यू चाप ए पी को पूरा पूरा ढक लेती है अर्थात जब हमने एक ही वृत्त में या दो सर्वांगसम वृत्तों में दो ऐसे कोण लिए केंद्र पे बने हुए जिनके अंश माप समान हैं तो उन्होंने हमें ऐसी चाप दी जो कि सर्वांग सम है अर्थात किसी वृत्त अथवा सर्वांग सम वृतों के दो चाप सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि वे समान अंश माप के होंगे हमने ये क्यों कहा कि वे समान अंश माप के होंगे वे इसलिए कहा कि जो हमने केंद्र पे कोण बनाए बराबर तो वो उनके अंश माप हमने बराबर रखे उनका माप बराबर रखा और उससे मिल गए हमें ऐसे चाप जो कि सर्वांग सम ये तो हुई चापों की सर्वांग समता जबकि हम केंद्र के कोण की बात करते हैं। आइए अब हम एक दूसरी स्थिति को देखें इसमें एक वृत्त की ए बी जीवा है इस जीवा को निर्धारित किया चाप ए बी ने अब यदि हम ये चाप ए बी के बराबर एक दूसरी चाप ले लेते हैं या जीवा ए बी के बराबर दूसरी जीवा ले लेते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि जीवा बराबर लेने से चापों पर क्या असर होता है और जब हम चाप बराबर लेते हैं तो जीवा कैसी होती है जीवा बराबर लेते हैं तो चाप कैसे होते हैं पहली बात करते हैं हम जीवा की जीवा के बराबर जीवा बनाना बड़ा आसान है कि हम जीवा की लंबाई माप लेते हैं ये आगे जीवा की माप यहां से लेकर इस माप की जीवा हम किसी भी वृत्त के बिंदु पर बना देते हैं यह बिंदु लिया मैंने इस बिंदु से यह लंबाई में काट लेता हूं ये आया बिंदु P ये आया बिंदु Q यदि हम इन दो बिंदुओं को मिला दें तो ये तो आप जानती हैं कि अब ए बी और पी क्यू दोनों बराबर बन गए अब ये ले लिया हमने वृत्त को दोनों जीवाओं को अलग कर दिया तो इन दो वृत्तों में या एक ही वृत्त में ये जो दो जीवा हमने बराबर ली तो इनका संबंध इन चापों से क्या होगा बड़ा आसान तरीका है जैसे हमने पहले किया कि हम दोनों चापों को एक दूसरे पर रख कर देख लेते हैं क्या देखा आपने एक चाप ए बी दूसरी चाप पी क्यू को पूरा पूरा ढक लेती है। ये चाप पी क्यू और चाप ए बी के ऊपर पूरा पूरा आ जाती है। यानी हमने अगर जीवा बराबर ली तो चाप बराबर आ गई लेकिन क्या यही बात हो सकती है जबकि हम इससे उल्टी क्रिया करें उस उल्टी क्रिया करने से पहले एक और तथ्य हम आपको बता दें फिर हम उसकी उल्टी क्रिया पर वापस आते हैं तभी हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे ये तथ्य क्या है पहले तो हमने जीवा बराबर ली थी अब हम चाप की बात करने जा रहे हैं तो अगर हम चाप की बात करें तो एक वृत्त में अगर मैं एक चाप ले लूं, ए बी तो मुझे जीवा मिली गई है। एक और चाप ले लूं, अब बिंदु ले लूं यहां पर अब ये जो बिंदु मैंने लिया इसमें इस चाप की लंबाई को बढ़ा दिया मैंने बढ़ाने से जीवा और बड़ी हो गई आप ये देख सकते हैं कि ये जीवा देखते ही लगती है कि इससे बड़ी है वैसे हम इसको माप के भी देख सकते हैं कि यदि हम ये देखें कि ये जीवा इस लंबाई की है तो दूसरी जीवा की लंबाई स्पष्ट है कि उससे बड़ी है अब अगर हम इस चाप को और बढ़ा दें ए बी से हम गए बी डैश पर अब मान लो कि हम यहां पर आ जाते हैं इसकी लंबाई और बड़ी कर दी हमने तो जीवा और बड़ी हो गई क्या आप सोचते हैं कि यह जीवा इस तरह बढ़ती जाएगी चलिए आप यहां पर आ जाते हैं यह जीवा कैसी बनाई हमने ये वे जीवा है जो केंद्र से होके जा रही वृत्त के केंद्र में से होते हुए ये जीवा बन गई अब इसके अगर आगे इस चाप को और बढ़ा दें अब क्या होगा ये ले लिया बिंदु हमने अब इसको अगर मिला दूं इस जीवा को देखते हुए अगर हम इसको देखें तो अब ये जीवा छोटी होनी शुरू हो गई अब जैसे जैसे ये चाप और बढ़ती जाएगी ये जीवा और छोटी होती जाएगी यहाँ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम बता रहे हैं कि एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है अभी हम तुलना कर रहे थे इससे पहले जब हमने दो बराबर जीवाएं लीं तो उन दो बराबर जीवाओं के साथ हमने दिया था कि चाप की तुलना कैसी होती है आइए अब इससे उल्टी क्रिया करके देखें ये हमने वृत्त लिया और इसका सर्वांग वृत्त दूसरा यहां से बिंदु ये लगा दिया हमने इसको हम कह देते हैं P यहां से बिंदु Q ये दो बिंदु मिल गए ये चाप इस चाप के बराबर है तो इस तरह चाप बराबर लेने से हमें यह जीवा मिलेगी बिंदु Q ये है और बिंदु P ये है और अगर हम तुलना करके देखें ये दोनों जीवा एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें यानी हमें यहां से एक ये निष्कर्ष मिला कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्त में दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं संगत चाप यहां चाप किसकी बात कर रहे हैं हम लघु चाप की लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि अगर लघु चाप सर्वांग सम है तो दीर्घ चाप भी सर्वांगसम होंगी अवश्य होंगी क्योंकि दोनों सर्वांगसम सर्वांग सम है। अब चलिए इसी बात को एक बार फिर और देखें हम ये लिए हमने दो वृत्त। अब इन दो वृत्तों में यदि हम ये चाप ले लें यहां पर इस चाप की तुलना अगर हम इससे करना चाहें बिल्कुल उसी तरह पहले हमें फिर एक बार यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा एक बार फिर हमें लेना पड़ेगा कि ये चाप की माप या जीवा की माप का जीवा यहाँ पर लगा के हम इसकी एक बार फिर तुलना कर सकते हैं। लेकिन क्या यही एक विधि है कि हम दो वृत्त बनाएँ उनको एक दूसरे के ऊपर रखें और फिर उनकी तुलना करें जी नहीं एक दूसरी विधि भी है जिसमें कि हम इस निष्कर्ष पर दूसरी तरह पहुंच सकते हैं पहले इस निष्कर्ष को देख लें उसके बाद फिर हम आपको दूसरी विधि बताते हैं कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हों तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। ये तो दो अभी अभी हमने आपको निष्कर्ष बताए जीवा बराबर होने से चापों की सर्वांगसमता चापों की सर्वांग समता होने पर जीवाओं की माप बराबर लेकिन याद रहे ये केवल एक ही वृत्त या दो सर्वांगसम वृत्तों के लिए है अब आइए इसी बात को हम एक दूसरी तरह सिद्ध करके दिखाएं आपको ये लिए हमने दो वृत्त। इन दो वृत्तों में हम आपको ये नहीं दिखा रहे कि ये सर्वांग सम है या नहीं क्योंकि हम जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं उसके लिए हम ले रहे हैं एक ये कौन और एक ये कौन दूसरा कौन इस वृत्त में और इसको ये वृत्त सर्वांगसम है ये बात हम आपको दिखा देते हैं इस वृत्त की त्रिज्या है ये और यही त्रिज्या इस वृत्त की है अब ये तो है हमारे पास दो सर्वांग वृत्त। हमने लिया ये कौन इसके बराबर हमने बनाया नहीं हम ये मान के चलते हैं कि ये कौन जो इस वृत्त के केंद्रों पर बना है, वो इस वृत्त जिसका कोण केंद्र हम मान लेते हैं सी है इस पर बने कोण के बराबर है यदि ये कोण बराबर है तो इस चाप और इस चाप के संबंध में आप क्या कह सकते हैं जी हां चाप ए बी का अंश माप पी क्यू के अंश माप के बराबर हो गया और अभी हमने क्या देखा था कि यदि ये बराबर है तो ये सर्वांग है परंतु हम इस बात का प्रयोग किए बगैर ये दिखाना चाहते हैं कि यदि दो चापों के अंशे माप बराबर हों तो इन जीवाओं के माप भी बराबर होंगे हमारे पास है चाप ए बी ंश्य माप चाप पी क्यू के बराबर इसका मतलब यह हो जाएगा कि कौन ए ओ बी बराबर कौन पी सी क्यू ये दोनों कौन बराबर हो गए अब देखिए आप त्रिभुज ए बी और त्रिभुज पी सी क्यू को त्रिभुजों की सर्वांगसमता पहले पढ़ चुके हैं इन दो त्रिभुज में देखिए ओ ए बराबर सी पी क्यों ये दोनों बराबर क्यों होंगे वृक्ष सर्वांगशम है इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी फिर दूसरी बात ओ बी बराबर सी क्यू फिर वही बात सर्वांग वृत्त, इनकी त्रिज्याएं बराबर ये कौन हमने अभी कहा ए बी बराबर पी सी क्यू तो ये तो त्रिभुज कैसे हो गए ये त्रिभुज हो गए सर्वांग तो हम ये कह ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी सी क्यू के जब त्रिभुज सर्वांगसम सम हो गए तो जो संगत अंग हैं वो सारे बराबर हो गए तो ए भी बराबर हो गया पीसी पी क्यू के ये तो हमने अभी सिद्ध किया तर्क द्वारा कि यदि वृत्त की सर्वांगसम वृत्तों की या एक ही वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी जीवाएं भी बराबर होती हैं उनका माप बराबर होता है आइए आप इसकी उल्टी क्रिया एक बार करके देखें हम लेते हैं एक बार फिर दो सर्वांग वृत्त एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये।, ये दोनों सर्वांग दो सर्वांग सम वृत्तों में हम इनकी दो जीवाएं बराबर कर देते हैं। जीवा बराबर करने के लिए हमने पहले भी आपको दिखाया था कि एक बिंदु लिया और इसमें एक बिंदु लिया और इन दो बिंदुओं से हमने एक ही दूरी पर एक ये निशान बना दिया और एक ये निशान बना दिया अब इस तरह हमें मिल गई ये जीवा जो कि इस जीवा के बराबर है ये जीवा है ए बी ये जीवा है पी क्यू एक बार फिर ध्यान दें कि हम क्योंकि इस दिशा में धनात्मक मानते हैं इसलिए पी क्यू लिखते वक्त हम पी क्यू इसी साइड से क्यों चलते हैं इस तरह इसी दिशा में चलते हैं ए भी इसी दिशा में ए भी यू नहीं लिखेंगे अगर हम ए भी लिखेंगे तो चाप बोलते वक़्त वो ये चाप हो जाएगी ये केंद्र हैं दोनों वृत्त के हमने इनको मिला दिया इस जीवा के अंत बिंदुओं से इसी तरह इस जीवा से हमें कौन मिलेगी अब आप देखिए त्रिभुज ओ ए बी और दूसरी त्रिभुज क्यू सी पी इन दो त्रिभुजों में हमने ये जीवा बराबर ली है मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर है पी क्यू दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं इसलिए इनकी त्रिजय समान होंगी तो हम ये कह सकते हैं ओ ए बराबर सी पी ओ बी बराबर सी क्यू दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं एक की दूसरे की संगत तीनों भुजाएं के बराबर हो गई क्योंकि इन तीनों भुजाओं के बराबर तीनों बराबर हो गई तो भू 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 एस 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 से ये दोनों त्रिभुज कैसी हो गई सर्वांगसम सर्वांगसम होते ही ये संगत कोण बराबर हो गए ये संगत कोण बराबर हुए तो अंश माप यदि सर्वांगसम वृत्तों में केंद्रीय कोण का बराबर है तो संगत चापों का अंश माप भी बराबर होगा और हम ये कह सकते हैं कि चाप ए बी सर्वांग सम है चाप पी क्यू के और माप में लिखें तो चाप ए बी का माप बराबर चाप पी क्यू का माप तो इस तरह आपने ये देखा कि दोनों तरीके से यदि हमें जीवा बराबर दी हो तो हम तर्क द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि संगत चाप सर्वांगसम होते हैं और यदि चाप बराबर हो सर्वांगसम हो तो जीवा बराबर होती है। तो आज इस तरह हमने ये निष्कर्ष आपको बताए अगले पाठ में हम इन्हीं निष्कर्षों पर आधारित वृत्तों की कुछ और वृत्त पर आधारित कुछ और प्रमेय और कुछ और निष्कर्ष आपको बताएंगे जिनका कि हम प्रयोग फिर उससे अगले पाठ में करेंगे